हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। बच्चों, आज के वीडियो में हम क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो दो है बहुपद पॉलीनोमल्स के बारे में डिटेल में समझेंगे। पहले कि भाई पॉलीनोमल्स क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्योंकि ये चैप्टर कक्षा 10 में दोबारा आने वाला है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद पूरी प्रश्नावली को वन शॉट में कम्प्लीट भी करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दो, लाइक करने में कोई कंजूसी मत करना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली को गाइस शुरू करने से पहले ना बेसिक कॉन्सेप्ट को जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो पहले बेसिक समझते हैं, उसके बाद प्रश्नावली जो कि बहुत ही आसान है, वो तो आराम से हो ही जाएगा। तो देखो, बहुपद को पढ़ने से पहले, बहुपद को समझने से पहले हमें आपको एक चीज़ समझाना ज़रूरी है, क्योंकि बहुपद जो होता है दो चीज़ों के मिश्रण से बना होगा, ठीक है। बहुपद की प्रॉपर डेफिनेशन भी है, एक होता है अचर, इन दोनों के मेल से बनता है। अगर मैं अचर बोलूं, अचर में आ जाती है संख्या, जैसे 2 लिख दिया, अंडर रूट 3 लिख दिया, 1/5 लिख दिया, 0.03 लिख दिए, तो जितनी भी संख्याएं हैं, ये संख्याएं जो होती हैं ये क्या होती हैं, अचर होती हैं। चर हो गया, जैसे एक्स लिख दिया, वाई लिख दिया, टी लिख दिया, ये होती है चर, ठीक। अब चर और अचर के मिलन से क्या बनता है, बीजीय व्यंजक बनता है। क्या बनता है, बीजीय व्यंजक, ठीक है। चर और अचर के मेल से, जैसे मैं बीजीय व्यंजक लिख के दिखाऊं, जैसे मैंने लिख दिया 2 और x, ठीक है, 2x का स्क्वायर भी कर दिया, उसमें से कुछ जोड़ दिया, जैसे 4x जोड़ा, 2 उसमें से घटा दिया, तो ये सब क्या है, बीजीय व्यंजक है। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 4x + 2, ठीक है, तो ये सब क्या हो गया, बीजीय व्यंजक है। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ अंडर रूट 3x, तो ये भी एक बीजीय व्यंजक है। तो बीजीय व्यंजक के कैसे बनता है, चर और अचर के सम्मिलन से, उसमें जोड़ा हो सकता है, घटाना हो सकता है, गुणा हो सकता है, भाग हो सकता है, उनके सम्मिलन से बनता है हमारा बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक को अंग्रेजी में कहते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। अब हम बात करेंगे बहुपद कि बहुपद क्या होती है। सर, तो देखो बहुपद के बारे में जानते हैं। बहुपद को अंग्रेजी में कहा जाता है पॉलीनोमल्स, देखो पॉलीनोमल्स होने के लिए ना तीन शर्तों का पालन करना बहुत जरूरी है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अब ये शर्त क्या है, देखो सबसे पहला शर्त है कि पद होने चाहिए सीमित, पद कितने हो, सीमित हो, जैसे जिसको हम गिन के लिख पाए, पहली शर्त यह है। उसके बाद जो गुणज होने चाहिए, गुणज वास्तविक हो, ठीक है, गुणज वास्तविक होने चाहिए। गुणज क्या होता है वो मैं आपको समझाऊंगा। और उसके साथ साथ जो चर की घात होगी, चर की घात पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या आप जानते हैं ना, पूर्ण संख्या को हम डब्ल्यू से प्रतीत करते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, ऐसी संख्याओं को हम पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है। अगर कोई बीजीय व्यंजक इन शर्तों को हाँ कर रहा है, तो उस पद सीमित का मतलब 5-10 तक नहीं, करोड़पत भी हैं, तो अगर आप गिन के लिख पा रहे हो तो वो पद सीमित में गिना जाएगा, ठीक है। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, उदाहरण देखिए, मैं कुछ उदाहरण लिख रहा हूँ यहाँ पर, 2x² + 5x + 3, ठीक है, और एक यहाँ लिखता हूँ मैं x³ + 2x² + 5। अब आप देखो, यहाँ ध्यान से देखना कितने पद हैं, 1, 2, 3 पद सीमित हो, पहला शर्त आ गया। उसके बाद जो गुणज होता है, गुणज क्या है हमारे पास, 2, ठीक है, यहाँ मैं इसके सामने अंडर रूट 3 लिख देता हूँ, 2, 5 और ये 3, 2, 5, 3 क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है, इसको भी इसने हाँ कर दिया। फिर आ जाओ x की जो घात है, चर की जो घात है, यहाँ पे देखो 2 है और इसकी घात कुछ नहीं तो 1 हो, एक संख्या हो जो 2 संख्या है वो पूर्ण संख्या में आता है, बिल्कुल आता है,
यानी कि ये क्या हो गया, एक बहुपद हो गया। अब इसमें आ जाओ, सबसे पहले देखो कितने पद हैं, एक पद, दो पद, तीन पद, पहला वाला टिक हो गया, पद सीमित है। उसके बाद देखो गुणज, अंडर रूट तीन वास्तविक संख्या होती है, दो वास्तविक संख्या है, पाँच भी वास्तविक संख्या है, दूसरा वाला भी टिक हो गया। एक्स की घात तीन, ठीक है, एक्स की घात एक बट्टे दो पूर्ण संख्या में होता है? नहीं, एक बट्टा दो पूर्ण संख्या नहीं होता, ठीक है, तो ये तीसरी वाली प्रॉपर्टी को ये मना कर रहा है, तो ये वाला बहुपद नहीं होगा, ठीक है, ये वाला बहुपद नहीं होगा। जैसे किसी बहुपद को अगर संख्या के नीचे रख दूंगा, जैसे ये 2x² प्लस 5x + 3 है, किसी भी बहुपद को अगर संख्या के नीचे रख दें, एक उसके बट्टे में रख दो, तो वो बहुपद नहीं होगा, ठीक है, वो भी बहुपद नहीं होता है। तो मैंने अभी आपको क्या समझाया कि अचर क्या होता है, चर क्या होता है, बीजीय व्यंजक क्या होता है, बहुपद की परिभाषा भी लिख दी, एग्जाम्पल भी दे दिए, ठीक है, इतना समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं अब, और अब बहुपद के प्रकार इसके बारे में जान लूँ, क्योंकि इस पर प्रश्न आएंगे ना अभी, बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार की अगर मैं बात करूं तो इसमें एक पद ही बहुपद, कक्षा 9 के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, एक पद ही हो जाएगा, ठीक है, द्विपदी जिसमें दो पद हों, त्रिपदी जिसमें तीन पद हों, ठीक है, ऐसे आ सकते हैं। मैं उदाहरण देता हूँ, ठीक है, एक पदी में जिसमें ये x² हो गया एक पद, ठीक है, जैसे यहाँ पर ax हो गया, एक ही पद है, ठीक है, जिसमें मैंने यहाँ पर सिर्फ अगर x भी लिख दिया तो भी एक पद। द्विपद का मतलब जैसे x² + x हो गया, या 2x - 2 हो गया, तो इसमें दो पद हैं। त्रिपदी का मतलब x³ + x - 2, 1, 2, 3 पद, तो ये होते हैं एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, क्या होते हैं। आगे समझ में, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अच्छा, बहुपद का व्यापक रूप वो भी लिख देता हूँ, बहुपद का व्यापक रूप, जनरल फॉर्म, क्या पता है एग्जाम में आ जाए। तो बहुपद का जो व्यापक रूप होता है उसको हम px से प्रदर्शित करते हैं, और ये क्या होता है, a₀ + a₁x प्लस a₂x² ।, लास्ट में क्या आता है, an x की पावर n, ठीक है, ये चीज़ होती है। और यहाँ पे x की पा, ये जो an है ना, जहाँ an का मान कभी ज़ीरो नहीं होता, ठीक है, और n जो होती है घात होती है, ठीक है, इस पर तो डिटेल में आप कक्षा 10 में जाके पढ़ोगे, ठीक है, कि रैखिक बहुपद क्या होता है, शून्य बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है, त्रिघात बहुपद क्या होता है, वो कक्षा 10 में जाके आप डिटेल में पढ़ोगे। जितनी घात होती है उतने ही शून्य होते हैं, ठीक है, एन की जितनी घात होगी उतने शून्य होते हैं। ये सब क्लास 10th लेवल का है, ठीक है, अभी 9th के हिसाब से जितना हमें चाहिए उतना मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी तो मैं कक्षा 10 में भी पढ़ना है, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट, कोई भी दिक्कत हो बच्चों आप लोगों को, तो आप वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें, कोई दिक्कत होगी नहीं यहाँ तक। यहाँ तक समझ गए ना भाई, तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत रहेगी नहीं। अब आ जाओ क्वेश्चन में, कह रहे निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है, कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए, ठीक है। तो देखिए, एक चर में बहुपद है या नहीं है वो आपको बताना है। एक चर का मतलब जिसमें x x ही हो, तो ये एक चर है। यहाँ देखो, यहाँ कितने चर हैं, x x, कितने पद नहीं बोला है, चर बोला है। वैसे ही कितने पद है, तीन पद है, तो त्रिपद है, ये त्रिपदी बहुपद है। लेकिन आपसे क्या बोल रहा है, कौन कौन एक चर में बहुपद है, तो ये वाला एक चर में, यहाँ x चर है केवल, इसलिए यह एक चर में बहुपद है। ठीक है, ये लिख देना है। तो यहाँ चर क्या है, यहाँ आपका वाई चर है, तो ये भी एक चर में, ठीक है, ये भी एक चर में बहुपद है। यहाँ आपका चर क्या है, क्या ये बहुपद है,
देखो यहाँ पर अंडर रूट टिकल बहुपद है कि नहीं ये भी तो देखो। देखो इसको मैं लिख सकता हूँ टी, टी की घात में 1/2 और अंडर रूट 2t, ठीक है ये चीज़ हो गया। अब देखो यहाँ पर पावर में क्या है, ठीक है चूँकि टी की घात 1/2 है, घात में अगर बट्टे बट्टे में कुछ आ जाता है तो फिर क्या होता है, अतः ये बहुपद नहीं है, अतः यह बहुपद नहीं है, ठीक है ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके अगले वाले में आ जाऊँ, इसको देखो y, देखो बट्टे में है y, मैंने अभी बोला था संख्या के नीचे अगर बट्टे में आ जाता है तो ये क्या होता, बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है तो बात ही नहीं करनी आगे की कि एक चर दो चर, ठीक है ये भी बहुपद नहीं है। अगले में आ जाओ, देखो यहाँ पर चर कितना है, 1, 2, 3 चर है, चूँकि एक्स वाई टी चर हैं, अतः यह एक चर बहुपद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब वो क्या बोले, एक्स का गुणांक बताओ, सब में एक्स का गुणज बताना है, तो देखो यहाँ आ जाओ एक्स का गुणांक ऐसे करके लिखना होता है, एक्स ये गुणज में कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसमें एक्स का गुणज कितना है, 1 है, ठीक है एक्स का गुणज बताओ, यहाँ बताओ एक्स का गुणज, इधर एक्स है क्या इस वाले में, तो एक्स का गुणांक बताओ या सबका बताना है। देखो एक्स का गुणांक तो 1 हो गया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक अगर आप बोले कितना होगा, जब कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, तो इसमें कितना आ जाएगा, 1, ठीक है। तो एक्स आई थिंक क्वेश्चन में ना एक्स स्क्वायर लिखा होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है, ठीक है। सो यहाँ देखो एक्स स्क्वायर गुणांक आंसर लिखता हूँ डायरेक्ट, एक्स स्क्वायर गुणांक माइनस कुछ नहीं तो 1 होता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस के 1। एक्स स्क्वायर के गुणज में कितना है, पाई बाई टू, तो इस वाले का आंसर हो जाएगा पाई बाई टू, एक्स स्क्वायर का गुणज, ठीक है। इस वाले में आ जाओ, एक्स स्क्वायर का पद है क्या इसमें, है ही नहीं, तो इस वाले में जब है ही नहीं तो आंसर क्या आ जाएगा, 0, एक्स स्क्वायर का गुणज क्या है, 0, ठीक है कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अगला क्वेश्चन बोले 35 घात के द्विपद का, घात में 35 द्विपद, दो पद होने चाहिए, और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दो, तो पहला वाला आंसर आ जाओ 35 घात, तो x की घात मैंने लिख दिया 35, द्विपद प्लस में 2 लिख दिया मैंने, दो पद हो गया। दूसरा वाला आंसर क्या है, एक पदी घात में 100 होना चाहिए, x की घात में 100 लिख दिया, गुणे में मैंने 5 लिख दिया, तो ये एक ही पद है आंसर, ठीक है इतना आराम से बन गया आपका। अब प्रत्येक बहुपद की घात बतानी है, कह रहे निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए, तो घात होती है अधिकतम पावर, अधिकतम पावर एक्स की अधिकतम घात यहाँ कितनी है, 3 है, इसकी घात 3 हो गई, यहाँ वाई की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, 2, यहाँ आ जाओ कुछ नहीं तो 1 है, सो इसकी घात कितनी हो जाएगी, 1। और संख्या जब भी इसे ना क्या कहते हैं, अचर बहुपद, संख्या को हम क्या कहते हैं, अचर बहुपद, और अचर बहुपद में जो घात होती है भाई याद रख लेना, अचर बहुपद में घात होती है 0। देखो और एक चीज़ और यहाँ लिख देता हूँ, अगर शून्य लिखा होता है तो इसको हम बोलते हैं शून्य बहुपद, इसका नाम अलग हो जाता है, बाकी सभी संख्या को हम बोलते हैं अचर बहुपद, लेकिन शून्य को हम शून्य बहुपद बोलते हैं, और शून्य जो होता है उसका घात भी होता है 0, लेकिन इसका नाम अलग होता है शून्य बहुपद, ठीक। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, कह रहे हैं बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, रैखिक का मतलब होता है जिसकी घात 1 है, कौन कौन से द्विघाती हैं, द्विघाती का मतलब क्या होता है कि किसकी घात 2 है, और कौन कौन से त्रिघाती,
यानी कि घात में कितनी हो? तीन हो। तो देखो एक्स की घात दो है, तो यानी कि चूंकि एक्स की घात अधिकतम घात, ऐसे लिखना, एक्स की अधिकतम घात दो है, अतः यह द्विघात बहुपद है। और जितनी घात होती है उतने ही शून्य होते हैं। एक्स की अधिकतम घात कितनी है? तीन है। चूंकि एक्स की अधिकतम घात तीन है, इसलिए ये क्या होगा? त्रिघात बहुपद। इसलिए यह त्रिघात बहुपद है, ठीक। तो इसमें देखो घात कितनी है, अधिकतम घात y की कितनी है? दो है, इसलिए क्या है? द्विघात है। ठीक है, यहाँ देखो x की घात कितनी है? कुछ नहीं तो एक है। x की अधिकतम घात कितनी है? यहाँ एक है। और घात देने एक होने पर उसको क्या कहा जाता है? रैखिक बहुपद। रैखिक को अंग्रेजी में कहते हैं लीनियर। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, घात कितनी है? ठीक है, कुछ नहीं तो एक है। जब घात एक हो तो उसको क्या कहा जाता है? रैखिक बहुपद। आर घात कितनी है? दो है। अधिकतम घात दो है, तो ये क्या है? द्विघात बहुपद। ठीक, घात कितनी है? तीन है। अधिकतम एक्स की घात तीन है, तो यहाँ एक्स की अधिकतम घात तीन है, तो ये क्या हो जाएगा? त्रिघात बहुपद। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर मिल गया आराम से। तो इस तरीके से ये पूरी प्रश्नावली आपकी सॉल्व हो जाती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो गाइस, आपको वीडियो पसंद आई कि नहीं? वीडियो पसंद आई होगी, हर चीज़ समझ में आई होगी। कहीं पे कोई डाउट हो, दिक्कत हो, वीडियो को एक बार दोबारा देखें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और आपकी आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए और वो भी हमें कमेंट करके बताएं। गणित के साथ साथ विज्ञान भी मैंने पूरी पढ़ा रखी है, लिंक्स मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ ज़रूर चेक करें। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। जय हिंद, मिलते हैं नए वीडियो में।